प्राचीन काल से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का अनंत स्रोत रही हैं, बल्कि विश्वसनीय नौचालन मार्ग भी साबित हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन राष्ट्रीय धरोहरों का पुनः निर्माण करने और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश का अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की गई है, जिससे आर्थिक क्षेत्र 25 गुना वृद्धि करेगा और देश में पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा। विकास की इस महत्वाकांक्षी यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए 51 दिनों में 3,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की इको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा, जहां उन्हें पूर्व की 27 नदियों के प्राकृतिक वास की एक करीबी झलक मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद गंगा विलास रिवर क्रूज की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होगी वाराणसी के पवित्र घाटों से, जहां से ये गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश के किलों, संग्रहालयों और मंदिरों से होता हुआ गाजीपुर, बक्सर, बिहार पहुंचेगा, जहां यात्री पटना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन और झारखंड के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा पाएंगे। फरक्का में हुगली नदी पर अनोखे गांवों और डाक बंगलों के मनमोहक नजारे और ध्वनियां क्रूज का स्वागत करेंगे, जो जल्द ही कोलकाता के ऐतिहासिक महानगर की चहल पहल और लजीज मिठाइयों की दुनिया में प्रवेश करेगा और फिर धाराओं पर बहता हुआ विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरबन पहुंच जाएगा, जहां यात्री मेघना नदी डेल्टा की लहरों पर बोनो बीबी की कहानियों से अवगत होंगे। काजीरंगा के घने जंगल गुवाहाटी में स्थित सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर, निचले और ऊपरी असम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल कम सड़क धमनी बोगीबिल पुल का वास्तुशिल्प चमत्कार और माजुली की सांस्कृतिक शामें इस यादगार यात्रा का अंतिम पड़ाव हैं, जहां विश्व का परिचय पूर्व की विशेष तौर पर संजोई गई सांस्कृतिक और पाक विधाओं से होता है। तो आइए और हमारे साथ मिलकर भारत की पावन नदियों के समृद्ध और अनछुए इतिहास का जश्न मनाइए, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के समग्र राष्ट्रीय संकल्प के तहत पूरा देश मना रहा है संस्कृति का एक अद्वितीय उत्सव।